Hi students, how are you? Again, welcome to our class Vedanta Studies. This is World of Biology. Mukesh Kumar Drona is in this side. Already we have started chapter 1 of 11th class Biology, the living world, right? So today's new topic is classification of living organisms. That's how it starts. प्लस इससे पहले अपन ये चीज पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि पर्टिकुलर किस किस तरह के करेक्टर्स होते हैं जो इंडेफिनिट और डेफिनेट वे में इस तरह से सर्टिफाइड करेगी दैट पर्सन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट लिविंग नॉन लिविंग. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू क्लासीफाई देन टू मेक देयर इजी टू मेक देयर स्टडी इजी टू नो अबाउट मोर उसके हैबिटेट उसकी एनवायरमेंट के बारे में जानू करने के लिए बेसिकली हमें ग्रुपिंग में डिवाइड करना है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बिहाफ पे, राइट. सो टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स बेसिकली क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू मेक देयर स्टडी इजी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स जो हमारे आसपास में है उनका ग्रुपिंग करना जिससे उनका क्लासिफिकेशन करने से हमारा मेन जो एम है उनकी स्टडी इजी हो जाए. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. इजी वे में कुछ स्पेसिफिक दिखने वाले आइडेंटिकल दिखने वाले कैरेक्टर्स के बिहाफ पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को डिफरेंट सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से उनको यदि क्लासिफाइड करते हैं तो बेसिकली दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन, राइट. अब यहां पर एक चीज आई है, एक तो कैटेगरी और दूसरा वर्ड आया कैरेक्टर्स. बेसिकली वो कैरेक्टर्स नॉर्मली आइडेंटिकल वे में दिखने वाले हैं. मैं ये कहूं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिम्स के ग्रुप के अंदर वो प्लांट्स हो सकता है एनिमल्स हो सकता है उनके अंदर कुछ आइडेंटिकल फीचर्स नजर आते हैं. वो आइडेंटिकल कैरेक्टर्स यूनिफॉर्मली एक तरह से नजर आ रहे हैं तो उनको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बिहाफ पर हम उसको एक पर्टिकुलर स्टैंड पर रखते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं तो वो प्लेस कैटेगरी होगी. इनके बारे में बहुत अच्छी तरह अपन जानेंगे पर अपन पहले एक चीज देख लें वो कैरेक्टर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स. सो एक बड़े ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिम्स जो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उन कैरेक्टर्स को उनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, राइट. फीचर्स और क्वालिटीज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. किसी भी ऑर्गेनिजम्स वो बड़ा ग्रुप हो सकता है उनके बीच में कोई स्पेसिफिक फीचर्स और क्वालिटीज जिसको हम आसानी से बिलोंगिंग कर सकते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिम्स के तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहते हैं. एग्जाम्पल लें अपन सबसे पहले कैट डॉग एंड डियर्स अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट अकॉर्डिंग देयर हैबिट एंड हैबिटेट दे आर कार्निवोर्स. दे जनरली यूज टू ईट द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मीट मीट से मिलकर बने हों. मैंगो टमाटो एंड पोटेटोस दीज आर द प्लांट्स द मेजर डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्वेबल जो सिमिलैरिटीज होगी दीज ऑल आर फ्लॉरिंग प्लांट्स. सो फ्लॉरिंग कैटेगरीज इस तरह से इनके अंदर एक आइडेंटिकल फीचर हो गया और कार्निवोरा इनके अंदर एक आइडेंटिकल फीचर हो गया दैट इज द कार्निवोरा हैबिट नेचर ऑफ द फूड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केट डॉग एंड टाइगर एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स एज फ्लावर प्रेजेंसी ऑफ फ्लावर दिस इज आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैंगो टोमेटो ऑन मैंगो टोमेटो पोटैटो एंड सेवरल अनदर प्लांट्स. ये बेसिकली यहां पर हो रही है. हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों? व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन? टू मेक द स्टडी डिटेल. किसी भी स्टडी के बारे में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की स्टडी और डिटेल वे में करना चाहते हैं तो और डिटेल वे में करने के लिए हम उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बिहाफ पर, राइट. इससे पहले एक टॉपिक आया था डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी. लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स और लाइफ फॉर्म्स आप देख रहे हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को हम डायवर्सिटी कहते हैं. सो क्लासिफिकेशन में उस बायोडायवर्सिटी या डायवर्सिटी को इजी करने के लिए भी हम एम कर सकते हैं तो नो अबाउट डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट आल्सो बी एम्ड बाय द क्लासिफिकेशन मेथड, राइट. अब हम बात करें टैक्सा. व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा यहां वर्ड आया है यहां टैक्सा और कई जगह पर आपने टैक्सोन वर्ड भी आएगा तो टैक्सो यहां पर प्लूरल वर्ड है और टैक्सोन यहां पर सिंगुलर वर्ड है. ज्यादा
टिपिकल ना बनाकर हम इसी वे में यहां पर कह देते हैं कि आपने पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, हम सिस्टमेटिक वे से कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं बात करूं किंगडम, डिवीजन, फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सबको मैं एक नाम दूं तो बेसिकली ऑल दे आर टैक्सा। तो ये टैक्साज है, ये सारे सारे टैक्सा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म होगी। बट इनमें से मैं किंगडम की बात करूं या क्लास की बात करूं, जीनस की बात करूं या स्पीसीज की बात करूं, एक सिंगल कैटेगरी की बात करूं तो वो हो गया टैक्सोन, राइट। सो टैक्सा क्या है? साइंटिफिक टर्म्स फॉर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप। वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जिसके अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया जाता है, ग्रुपिंग करने के बाद उसको एक फिक्स प्लेस दिया जाता है, साइट दे दी जाती है, उस साइट की एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं कैटेगरी, और उस कैटेगरी के इंडिविजुअल टेक्निकल वे में उस साइंटिफिक टर्म के अंदर उसको टैक्सो कहा जाता है या टैक्सा कहा जाता है। टैक्सा कैन इंडिकेट डिफरेंट सेवन कैटेगरीज। ये डिफरेंट सात कैटेगरीज कौन कौन सी, सेवन कैटेगरीज कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बिफोर आई सेड अबाउट दीज कैटेगरीज, किंगडम, डिविजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, दे ऑल आर टैक्सा। सो दीज आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म दे, तो जनरल कैटेगरी होगी, जनरल नेम हो गया। टैक्सोनॉम कैटेगरी को हम एक साइंटिफिक नेम दे तो वो साइंटिफिक नेम हो गया यहां पर टैक्सा। पर्टिकुलर ए कैटेगरी की बात करें तो हो गया टैक्सोन। सो किंगडम एक टैक्सोन और इन सबको मिला के बोलेंगे टैक्सा, राइट। अब ये दो टर्म आ रही है टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसेस करने के साथ में हम क्लासिफाई के एम्स अचीव कर रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब है अरेंजमेंट, अ वेरी डिसेंट अरेंजमेंट टू स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू मेक देयर स्टडी इजियर। तो उनके बारे में डायवर्सिटी फाइंड करने के लिए बेसिकली आप इजी स्टडी कर रहे हो, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर रहे हो, तो बेसिकली इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बीच में कुछ सिमिलरिटी, वो आपस में किस तरह से लिंक कर रहे हैं, आपस में कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन सी डिसिमिलरिटीज है, इनको लेते हुए आप कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। सो ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन अमॉन्ग देम। तो सिस्टमेटिक वे में उनकी स्टडी को इजी करने के लिए, उनके बारे में डायवर्सिटी मालूम करने के लिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को ग्रुपिंग करते हैं, और वो ग्रुपिंग सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, कौन पहले आ रहा है, कौन बीच में आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है। तो ये सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है वो उनकी क्लासिफिकेशन के एम्स को गेन करने के लिए क्या आता है, दिस प्रोसेस और द ब्रांच ऑफ स्टडी कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करी है अपन ने, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, उनका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। वो सिस्टमेटिक पैटर्न इस तरह से, जैसे हम किसी बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, जीरो फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो वो हमें स्टेयर्स यूज करनी पड़ती है, अपस्टेयर हम जाते हैं, तो अपस्टेयर जाने के लिए बेसिकली जो एक पूरा फिनोमेना, एक प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर नजर आता है, इसी तरह का आपकी टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज है उनको सिस्टमेटिक वे से रखने का तरीका है, राइट। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो ओवरऑल ये अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। Each taxonomical category represent a unit of classification called rank or taxon. अभी मैंने कहा था आपको taxa और taxon में क्या difference है, मैं कहूं कि ये सब taxon, ये सभी taxa है, और एक particular की बात करूं, family की बात करूं या kingdom की बात करूं, किसी एक taxonomical category की बात करूं, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, taxon और rank हो जाएगी, right? अब अपन देखें, यहां पर नजर डालें, kingdom, division, phylum, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यहां पर देखिए आप, स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज मिलकर के जीनस मिलता है, सिमिलर जीनस मिलकर के फैमिली बनाता है, सिमिलर फैमिलीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेक ऑर्डर,
द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कंसिडर इन सेम ऑर्डर्स और डिफरेंट सेवरल ऑर्डर्स मेक्स लार्ज यूनिट दैट्स कॉल्ड क्लास. क्लास बहुत सी क्लासेस मिलकर डिविजन और फाइलम बनाती है, और बहुत से डिविजन और फाइलम मिलकर किंगडम बन जाते हैं. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का पैटर्न है, इस तरह से चलता है. मैं बात करूं स्पीसीज से जीनस मिलती है, जीनस से फैमिली बनती है, फैमिली से ऑर्डर बनते हैं, ऑर्डर से क्लासेस बनती हैं, क्लास से डिवीजन फाइलम बनता है और किंगडम बनता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि किंगडम हाईएस्ट टैक्सोन है जबकि स्पीसीज लोवेस्ट टैक्सोन्स हैं. इन सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लर्न करने का ट्रिक मैंने यहां पर बता रखा है. के फॉर की, डी फॉर डोर, पी फॉर पोर्ट, सी फॉर क्लीन, ओ फॉर और, फैमिली फॉर फैमिली, जीनस फॉर गैट और स्पीसीज फॉर सिक. ये ट्रिक यदि हम देखें तो ये हो जाएगा कीप डोर क्लीन और फैमिली गैट सिक. यानी कि अपने घर के दरवाजों के जो हैंडल्स होते हैं उनको क्लीन रखें, अदरवाइज हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी. दूसरा पैटर्न क्या है, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक. यानी कि अपने घरों के बर्तन जिनके अंदर हम पानी पीते हैं, सब्जी बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं, वो क्लीन होने जरूरी है, अदरवाइज हमारी फैमिली बीमार हो जाएगी. यहां पर एक चीज मेंशन करने वाली है, डिवीजन एंड फाइलम. यहां पर एक ही प्लेस पर ये एक टैक्सोन है एक्चुअली, तो यहां पर डिवीजन लिया जाता है वो प्लांट्स के लिए लिया जाता है. ये सेकंड कैटेगरी है, वो यूज किया जाती है प्लांट्स के लिए, जबकि फाइलम जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, टैक्सान है, वो लिया जाता है एनिमल्स के लिए. ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर आपकी एक ट्रिक होगी, कीप डोर क्लीन और फैमिली गेट सिक. ये मैंने जो ट्रिक बताई है वो आपको बताई है मैंने यहां पर प्लांट्स के टैक्सोनॉमिकली हायरार्की को लर्न करने का. दूसरा कीप पॉट क्लीन और फैमिली गैट सी, ये मैंने आपको टैक्सोनॉमिकली हायरार्की की ट्रिक बताई है प्लांट्स के एनिमल्स के रेफरेंस में. तो यहां पर डिवीजन फॉर डी एंड फाइलम फॉर पी आता है, तो ये आपकी एक ट्रिक्स हो गई. अब अपन जनरल से चीज करें, यहां पर यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें और यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, तो ये सबसे ऊंची यानी सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है और स्पीसीज सबसे लोवेस्ट है. एक तरह से देखा जाए, मैं इसकी बात करूं तो किंगडम्स में नंबर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सबसे ज्यादा होंगे जिनमें सिमिलरिटी सबसे कम होंगी. उल्टी बात करें अपन स्पीसीज में, स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के नंबर्स भी कम होंगे पर सिमिलरिटी सबसे ज्यादा होगी. देखिए यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का नंबर सबसे ज्यादा है, यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का नंबर कम है. यहां सिमिलरिटी कम है, यहां पर सिमिलरिटी ज्यादा है. तो बेसिकली यहां पर ये दो चीज आ गई. तो देखें अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ लेस सिमिलरिटीज वो आती है जनरल कैटेगरी किंगडम के अंदर, एंड मैक्सिमम सिमिलरिटीज लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कम्स इन स्पीसीज स्पीसीज टैक्सोन्स. तो इस तरह से हो गए. यहां पर एक वर्ड और आएगा, डोमेन. आप सेकंड चैप्टर के अंदर डोमेन वर्ड भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स में आएगा. तो डोमेन किंगडम से ठीक ऊपर आने वाला कैटेगरी है जो बेसिकली बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी में ये टर्म यूज की जाती है. तो बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी के अंदर डोमेन वर्ड यूज किया जाएगा. तो डोमेन क्या है, इन अ ब्रांच ऑफ बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी अ रेंज अबाव किंगडम लेवल हैज बीन क्रिएटेड कॉल्ड डोमेन. यानी कि बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी के अंदर एक किंगडम से ठीक ऊपर एक लेवल कैटेगरी और बनाई गई है जिसे डोमेन कहते हैं. अब आगे चलो, यस, नाउ वी हैव टू कम ऑन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीसीज. स्पीसीज अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का एक अरेंजमेंट है जिसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं. उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर सबसे पहले स्पीसीज आती है. स्पीसीज से आगे फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं. स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन फाइलम और डिवीजन फाइलम के बाद में किंगडम. और साथ में अपन ने यह पढ़ा कि यदि हम बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी की बात करें तो किंगडम से भी ऊपर डोमेन भी आता है. सबसे पहले हम बात करें स्पीसीज की. नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स.
नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इनब्रीड फ्रीली प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ ब्रीड का मतलब होता है स्पेसिफिक करेक्टर रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ग्रुप, उस बड़े ग्रुप और दूसरा बड़ा ग्रुप। बेसिकली एक बड़े ग्रुप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो जिनकी हैबिटेट सेम है, एक ही तरह की वो फूड नेचर रखते हैं, एक ही तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, एक ही तरह की हैबिट है, तो वो आपस में इजीली क्या कर सकते हैं, इनब्रीड कर सकते हैं, आपस में कॉपुलेशन सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो स्पीसीज वो है, राइट। तो नेचुरल पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ दैट दे आर एबल टू इनब्रीड फ्रीली प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ अ स्पीसीज। लाइक मैं बात करूं हॉर्स, हॉर्स में मेल और फीमेल के आपस में रिप्रोडक्शन होने से बेसिकली हॉर्स जनरेट होता है, और वो हॉर्स जनरेट हो रहा है वो आगे भी ये रिप्रोडक्शन चालू रखेगा कि वो भी फर्टाइल होगा, वो भी स्पर्म और ओवा बनाने के लायक होगा। तो बेसिकली हम उसको स्पीसीज कहते हैं। मैं बात करूं सेपियंस, सेपियंस स्पीसीज है किसकी, ह्यूमन बीइंग की। मैं ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम की बात करूं तो होमो सेपियंस होता है, तो सेपियंस उसके अंदर क्या होगी, स्पीसीज होगी, और उसका जीनस हो गया होमो। तो सेपियंस इज द स्पीसीज ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में सेपियंस यहां पर स्पीसीज है। अब हम बात करें जीनस, सिमिलर स्पीसीज मिलकर के ये स्पीसी एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, वो जीनस बनाती है। तो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, वो स्पीसीज आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। अपने स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीसीज बेसिकली जिनके अंदर सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज वाला कॉलम यहां पर आएगा। तो दे द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वन और मोर स्पीसीज विथ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हो, इस तरह से एक या एक से ज्यादा दिखने वाली स्पीसीज जिनमें यूनिफॉर्मिलिटी ज्यादा होगी वो एक बड़ा ग्रुप बनाती है जीनस। यानी जीनस के अंदर यदि दो स्पीसीज आ रही है तो उन दोनों स्पीसीज के अंदर आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि एक ही जीनस में आने वाली सारी स्पीसीज के एंसेस्टर कॉमन होंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स का बेस्ट एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि मैं बात करूं कैटल्स की, मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करूं एलिमेंट्री कैनाल को, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कैटल्स के अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स होती है, जबकि हमारी बॉडी में भी अपेंडिक्स है, और वो अपेंडिक्स यहां पर वर्किंग फॉर्म में नहीं है ह्यूमन बीइंग के अंदर। बट मैं यदि बात करूं कैटल्स की, तो कैटल्स ग्रासेस खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, प्रोटीन फाइबर्स खाते हैं, इन सभी प्लांट फाइबर्स खाते हैं, तो इनका डाइजेशन करने के लिए वहां पर अपेंडिक्स एक्टिव फॉर्म में है, जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर हैबिट चेंज हो चुकी है, फूड हैबिट के चेंज होने की वजह से यहां पर वो अपेंडिक्स वर्किंग फॉर्म में नहीं है। सो अपेंडिक्स इज होमोलोगस, होमोलोगस कैरेक्टर्स, होमोलोगस ऑर्गन्स का कैरेक्टर्स हो गया बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कैटल्स। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ह्यूमन और कैटल्स का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। फर्दर चेंजेस आने से जैसे हैबिटेट, जैसे वो एनवायरमेंट में रहे उसके अकॉर्डिंग कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए होंगे। सो ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि मैं ये कहूं कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग और कैटल्स का कोई एक एंसेस्टर होगा तो ये बात गलत नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, पैंथ्रा क्या है, एक पैंथ्रा जीनस है, उस पैंथ्रा जीनस के अंदर ये तीन स्पीसीज आ रही है, लियोन, लायन, टाइगर एंड लेपार्ड। सो लायन, टाइगर एंड लेपार्ड एक स्पीसीज नहीं, एक से ज्यादा स्पीसीज है, और इनमें कॉमन फीचर्स है कि ये सब एक जैसी दिखती है, कैटलाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है, कुछ हैबिट इनकी चेंज हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी कैन सी सिमिलरली, सिमिलरली हम देख सकते हैं। सो लायन, टाइगर और लेपार्ड अलग अलग स्पीसीज है, बट उनमें यूनिफॉर्मिलिटी होने की वजह से, कॉमन फीचर्स होने की वजह से उनको एक ही जीनस में रखा गया, जिसको कहते हैं पैंथ्रा, राइट। नेक्स्ट फैमिली, टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जीनस, यानी कि एक से ज्यादा सिमिलर, एक या एक से ज्यादा जो सिमिलर रखने वाले जीनस है उनसे ही फैमिली बनती है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है, फैमिली किसकी है, सोलेनेसी फैमिली है जिसके अंदर ब्रिंजल आता है, जिसके अंदर धतूरा आता है, जिसके अंदर है वो कैप्सिकम यानी कि चिली आती है, इसी तरह से सोलेनम के अंदर आपका आता है
टोमेटो। तो इस तरह से इनके अंदर एक यूनिक फीचर की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फैमिली डिफरेंट जीनस से मिलकर बनी होती है। तो सोलेनेसी के अंदर आपका सोलेनम आ गया और सोलेनम क्या आ गया, डतूरा आ गया। तो इस तरह से सोलेनम और डतूरा दोनों जीनस है और यूनिफॉर्म एक जैसे अलग अलग दिखने वाले ये जीनस मिलकर के एक सिंगुलर फैमिली बना रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑर्डर, इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, एक और एक से ज्यादा टाइप की जो फैमिलीज हैं वो मिलकर के क्या बनाती है, ऑर्डर बनाती है। जैसे मैं बात करूं कार्निवोरा, सभी मीट खाने वाले मैमल्स कार्निवोरा कैटेगरी के अंदर आते हैं और कार्निवोरा कैटेगरी हो गई एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर के अंदर फैमिलीज आ रही है फैलिडी और कैनिडी। फैलिडी के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैट का और कैनिडी के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉग का। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर कार्निवोरा ऑर्डर हो गया और उस ऑर्डर के अंदर एक या एक से ज्यादा सेम दिखने वाली, मैक्सिमम सिमिलरिटी रखने वाली फैमिली दो अलग अलग आ गई। उसके बाद बात करें क्लासेस, क्लास मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सिमिलर ऑर्डर्स, जो डिफरेंट ऑर्डर्स है, सिमिलर ऑर्डर्स है, उनसे मिलकर के क्लास बनती है। ये क्लास की बात करें मैमल्स, आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास के अंदर कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर बेसिकली मैं मैमल्स की बात करता हूं, जिसके अंदर कैटल्स आ रहे हैं, एलिफेंट्स आ रहा, हॉर्स आ रहा, काउज आ रही, बफेलो आ रही है, इसके अंदर बैट भी आ रहा है, इसके अंदर सील भी आ रही है, वेल भी आ रही है, इसके अंदर डॉल्फिन भी आ रहा है, प्लेटिपस भी आ रहा है और हम भी आ रहे हैं, ह्यूमन बींग भी आ रहे हैं। तो इन सबको देखा जाए तो एक बड़ा ग्रुप हो गया मैमल्स। ये मैमल्स क्या है, अपने आप में एक क्लास है। इस मैमल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बिहाफ पर हम ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक या एक से ज्यादा ऑर्डर्स मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं। मैमल्स के अंदर टोटल यदि देखा जाए तो 15 टाइप के ऑर्डर्स हैं। उन ऑर्डर्स को यदि हम इंक्लूड करें तो एक जो हाईएस्ट टाइप का ऑर्डर है उसको प्राइमेट्स कहते हैं, और उसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स में आ गया आपके ह्यूमन, एप यानी सारे मंकी और गोरिला, और इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं जिनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें काउ आ गई, हॉर्स आ गई, रैट आ गया, एलिफेंट आ गया, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैटल्स की फॉर्म में। यहां पर हम डॉल्फिन भी इसके अंदर लेंगे, इसके अंदर सील भी लेंगे, प्लेटिपस भी लेंगे, तो ये सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। तो बेसिकली इन दो अलग या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो एक या एक से ज्यादा टाइप के जितने भी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो क्लास मैमल क्या हो गया यहां पर, क्लास, और प्राइमेट और नॉन प्राइमेट्स क्या हो गया यहां पर, ऑर्डर। तो ऑर्डर मिलकर के यहां पर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर एक स्टार पॉइंट है, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं वो एमसी कहते हैं, मेनस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं। मेनस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो बेसिकली आपके गोरिल्ला में होगी, बेसिकली आपके ह्यूमन बीइंग में होंगी। इनके अलावा जितने भी मेमल्स हैं उनके अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर गैमेट्स बनते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल। आगे याद रखना, आगे आपको इस टर्म को बार बार यूज करना पड़ेगा, एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल उन मेमल्स के अंदर होता है जो सीजन पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर सीजन पर। काउ आपने देखा होगा, बफेलो देखा होगा, डॉग देखा होगा, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ये मैटिंग के लिए मेल और फीमेल आपस में रिलेशन बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। जबकि ह्यूमन, एप और जितने भी मंकी फैमिली है, गोरिला है, इनके अंदर किसी भी सीजन पर इनको डिपेंड नहीं करना होता है। तो जितने भी प्राइमेट्स हैं वो मेनस्ट्रुअल साइकिल्स शो करते हैं और नॉन प्राइमेट्स हैं वो एस्ट्रस साइकिल्स शो करते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, डिविजन्स प्लांट्स के लिए होता है, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है। सो डिविजन एंड फाइलम्स इज फॉर्म्ड वन ऑफ वन और मोर क्लासेस, एक से ज्यादा टाइप की जो क्लासेस है, सिमिलर क्लासेस है, वो मिलकर के क्या बनाएंगी, डिविजन और फाइलम्स बनाती हैं। जैसे मैं बात करूं कोडेटा, कोडेटा अपने आप के अंदर क्या है, फाइला है, फाइलम है, लिविंग ऑर्गन्स का फाइलम है, और उस लिविंग ऑर्गन्स के अंदर, फाइलम के अंदर, कोडेटा फाइलम में फाइव क्लासेस आती है, क्योंकि क्लासेस मिलके डिविजन बना रही है, क्लासेस मिलके फाइलम बना रही है। तो कोडेटा के अंदर फाइव क्लासेस आती है, और उन फाइव क्लासेस के अंदर कौन कौन आता है, फिशिस, पाइसेस आ गई, एम्फीबिया आ गया, रेप्टिलिया आ गया, एडीज जिसमें बर्ड आ जाते हैं, मैमल्स
जिसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स लाइक काउ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, ये सब आते हैं। तो इन सभी फाइव क्लासेस के मिलने से कोडेटा मिल रहा है। तो यूनिफॉर्मली जो क्लासेस है, एक से ज्यादा क्लासेस मिलकर के है, हायर डिविजन बनाती है, हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बनाती है, जिसको क्लास कहते हैं, डिविजन कहते हैं। ठीक है, डिविजन बेसिकली प्लांट्स के लिए, जबकि फाइलम है वो एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट बात करें अपन किंगडम। दिस इज हाईएस्ट कैटेगरी मेड अप ऑफ वन और मोर डिवीजन और फाइलम। ये सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, टैक्सोन है। तो इस टैक्सोन के अंदर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होगा, बट उनके अंदर सिमिलरिटी सबसे कम होगी। अभी अपन ने देखा था स्पीसीज के अंदर यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे कम है, सिमिलरिटी ज्यादा है, जस्ट उल्टा इसमें हो गया, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, सिमिलरिटी कम है। तो बेसिकली इसमें एग्जांपल्स हो सकता है, आप जानते हैं विटिकर साइंटिस्ट, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है, विटिकर साइंटिस्ट ने फाइव डिफरेंट क्लासेस डिवाइड किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो ये डिफरेंट क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। अब इन किंगडम्स का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ है डिवीजन और फाइलम्स के मिलने से। मैं यदि बात करूं प्लांट की, प्लांटी किंगडम की बात करूं, तो प्लांटी किंगडम के अंदर आपने पढ़े थे फेंड्रोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स। ये फेंड्रोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स क्या है, डिवीजन ही तो है। उन डिवीजन के अंदर आप बात करें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यहां पर डिवीजन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लांटी किंगडम। उसी तरह से एनिमिलिया की बात करें, एनिमिलिया यहां पर किंगडम है, और एनिमिलिया किंगडम्स के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती है, वो कैटेगरीज एक्चुअली फाइलम है, नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स, राइट। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट पैटर्न्स, और हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमने सब कुछ यहां पर पढ़ा है। सो आगे की क्लासेस के अंदर अपन इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन टैक्सोनॉमिकल एड्स, उन टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर क्या क्या होगा। तब तक अपन ये चीज रिवाइज करते रहे। थैंक यू।